हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में खास क्या है आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिटीज के नेम लिखे हुए। अब ये रेंज बड़ी छोटी है, आपके पास एक लंबी रेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो अभी जैसे आपको ट्रांसपोज करना है डेटा को, तो आप क्या करते हैं, आप ट्रांसपोज का फॉर्मूला भी लगाते हैं कई बार, तो इज इक्वल टू ट्रांसपोज इस तरीके से करके, देखिए ट्रांसपोज का फॉर्मूला आ रहा है, फिर आप ट्रांसपोज को यूज कर लेते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला अगर ना लगा करके हम एक काम कर सकते हैं, यहां से इसको कॉपी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर प्रेस करेंगे Alt ES, जैसे ही प्रेस करेंगे ये विंडो ओपन होगी और यहां आपको मिल जाता है ट्रांसपोज। तो यहां पे जाकर ओके करिएगा तो ये देखिए रो कॉलम में और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा आसानी के साथ, देख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को वापिस उसी फॉर्मेट में करना है, तो फिर इसको कॉपी कीजिए, यहां से कॉपी हो गया। अब फिर यहां पर आइए और फिर Alt ES प्रेस कीजिए और इस बार फिर इसको ट्रांसपोज करता हूं, तो आप देखेंगे कि वापस से ये उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे बताइएगा और लाइव क्लास के लिए जल्दी शुरू करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।